चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। थ्री मेथड्स हैं सेंट्रोइड मेथड में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ सम एंड सेंटर ऑफ एरिया। तो सबसे पहले आते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। तो हम चाहे सेंट्रोइड मेथड में किसी भी पॉइंट पे या किसी भी मेथड पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे हमें एक सेंटर पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। और वो पॉइंट कैसा होना चाहिए जो कि आपके इस मेंबरशिप फंक्शन को टू इक्वल मासेस में या टू इक्वल एरिया में डिवाइड करे। और इसी पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट बताया गया है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीओजी मेथड इज टू फाइंड द पॉइंट एक्स वेयर अ वर्टिकल लाइन वुड स्लाइस द एग्रीगेट इनटू टू इक्वल मासेस एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द क्रिस्प वैल्यू एक्स स्टार, राइट। फॉर्मूला क्या है? देखो, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप समझ पाएंगे इसको कैलकुलेट। ये फॉर्मूला है लेकिन इसका जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि आपका जो ये वन सेकेंड डिनोमिनेटर है इसका, ये क्या कह रहा है? एरिया अंडर द स्पेस म्यू सी, ठीक है। एरिया आपको क्या एरिया फाइंड करना है ऑफ म्यू सी, और म्यू सी क्या है? ये जो फंक्शन है जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और दूसरा क्या है जो आपका न्यूमरेटर है? न्यूमरेटर है कि किसी पर्टिकुलर एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग एक मेंबरशिप फंक्शन लेंगे और उसके हिसाब से हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो एक्स एंड करस्पॉन्डिंग म्यू सी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कॉमा म्यू सी एक्स, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपका एक्स स्टार कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये हम आगे बात करेंगे, राइट। तो आपके पास अब क्या क्या चीज़ें हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, अच्छा ये था कंटिन्यूअस मेंबरशिप फंक्शन के लिए जो मेथड हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है जहाँ पे हम सिग्मा का यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा फंक्शन का यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिस्क्रीट मेंबरशिप फंक्शन होता है, ठीक है। आपके पास अगर कंटिन्यूअस अगर मेंबरशिप फंक्शन है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं। और उसके बाद जब अगर हमारे पास डिस्क्रीट मेंबरशिप फंक्शन है, सो इन दैट केस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए, मतलब एक्स स्टार को फाइंड करने के लिए, क्रिस्प वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा एक्स आई म्यू सी एक्स आई बॉन सिग्मा म्यू सी एक्स आई, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने असली मुद्दे पे, कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आपके लिए आसान तरीका यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द इंटायर रीजन इनटू स्मॉल रेगुलर रीजन। मतलब आपको जो मेंबरशिप आपको फंक्शन गिवन है, जो आपको मेंबरशिप फंक्शन प्लॉट करके दिया हुआ है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, ठीक है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप उसे कुछ इस तरीके से, मतलब उसे रेगुलर रीजन्स में डिवाइड कर लो। रेगुलर रीजन से क्या मतलब है कि जिनका एरिया आपको पता है, जो पैटर्न्स आपके नॉलेज में है, जैसे ट्राइंगल, ट्राइंगल हुआ, ट्रेपोजॉइड हुआ, या फिर कोई रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, मतलब वो रीजन्स जिनसे आप ऑलरेडी क्या कहते हैं अवेयर हो, आप उस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लो और इसको जो है पार्ट बाई पार्ट आप इवेल्युएट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूरे रीजन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, सच एज ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजोइडल, इस तरीके से आपको इसे डिवाइड करना है, ठीक है। एंड देन फाइंड एंड लेट ए आई एक्स आई डिनोट द एरिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आईथ पोर्शन, ठीक है। उसके बाद आपको दो चीजें चाहिए, एक एक्स आई चाहिए और एरिया चाहिए ए वन, ठीक है। एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है, एक्स स्टार और उसके बाद सिग्मा एक्स आई ए आई अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई, ठीक है। मतलब आपने पार्ट बाई पार्ट कैलकुलेशन किया, एरिया फाइंड किया और एक्स पॉइंट को फाइंड किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड किया, और उसके बाद सबको एक साथ हम सम अप कर दे रहे हैं। जहां तक मुझे पता है आप लोगों को यहां तक दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। परेशानी कहाँ से आ रही है? यहाँ से शुरू होती है कि जो मैंने एग्जाम्पल बताया था यहाँ पे कुछ मिस था, आप वहाँ तक आपने पूछा नहीं, या फिर मैंने शायद ये कहा कि ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया रहेगा जो कि नहीं गिवन रहता है। तो चलो, तो आपको एक एग्जाम्पल है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका है, आप लिखिए, आपके पास सपोज सी वन एंड सी टू दो आपको मेंबरशिप फंक्शंस गिवन है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है इनका यूज करके आप ये बताइए व्हाट इज क्रिस्प वैल्यू, ठीक है। आपको इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड अप्लाई करना है फॉर डीफजिफिकेशन, ठीक है। तो आपने इसका क्या कर लिया, यूनियन परफॉर्म कर लिया, तो हमें ये शेप मिला,
ठीक है, ये मेंबरशिप फंक्शन मिल गया यूनियन रहने पे। अब हमारा अगला काम क्या है, हमें इसे नोन पैटर्न्स में या नोन शेप या नोन रीजन्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने इसे ट्राइंगल, ट्रेपेजॉइड या किसी इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, और उसकी हमने नंबरिंग कर दी, दिस इज पार्ट वन एंड दिस इज पार्ट टू, दिस इज पार्ट थ्री, दिस इज पार्ट फोर एंड दिस इज पार्ट फाइव। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है बताइए। ओके, अब आगे का मुद्दा बहुत ध्यान से समझना। देखो हमने क्या कहा कि अब हम अलग अलग काम करेंगे, मतलब अब आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, आप ऐसे समझो कि जो मैंने ये डिवीजन किया ना, ये वाला पोर्शन, ये एक पार्ट, इसको मैं अलग ले ले रही हूँ। ठीक है, सपोज ये मेरा, ये एक मेंबरशिप फंक्शन हुआ, आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये एक मेंबरशिप फंक्शन हुआ। दूसरा मेंबरशिप फंक्शन क्या फॉर्म कर रहा है, ये सेकंड पार्ट देखो, एक यहाँ से, सपोज यहाँ से इस तरीके से एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है, इसी तरह तीसरा, चौथा, अलग अलग हर एक पार्ट का मुझे कैलकुलेशन अलग अलग करना है, यही बात की हमने, राइट? अब देखो फॉर्मूला क्या है, अज्यूम करते हैं, सबसे पहला वाला पैटर्न लेते हैं, कुछ ऐसा ही शेप फॉर्म हो रहा है, हो रहा है ना, जो क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो सपोज फर्स्ट वाला पोर्शन तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो अब जो है, अगर आपको, जैसे मैंने ये दे दिया कि आपके पास ये एक मेंबरशिप फंक्शन है और इसके लिए ये मेंबरशिप वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ये मेंबरशिप फंक्शन है, ऐसा ही तो कुछ फॉर्म हो रहा है, ये पहला पार्ट जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये ऐसा है। अब उसके लिए आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक्स तो सिंपल रखा हुआ है, यू कैन सी हियर, एक्स तो आप एज इट इज रख रहे हो, लेकिन आपको इस मेंबरशिप फंक्शन का इक्वेशन तो नहीं पता है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? भाई देखो, आपको, लेट मी रिपीट वंस मोर, कि देखो आप ये तो कह रहे हो कि भाई आपको म्यू सी डी एक्स तो हर हाल में चाहिए, मेंबरशिप फंक्शन चाहिए अब, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, राइट? तो मेरे पास कितने पार्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखो मैं इसको थोड़ा क्लियर करती हूँ स्क्रीन, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो फर्स्ट पार्ट, जैसे एक पार्ट हमने ये बनाया, ठीक है, पे फोकस करते हैं, तो इस सिंगल पार्ट के लिए मुझे एक इक्वेशन चाहिए टू रिप्रेजेंट द म्यू एक्स वन, मतलब फर्स्ट पार्ट का मेंबरशिप फंक्शन कैसे आप फाइंड करोगे, क्या आप बता सकते हो, क्या आप फाइंड कर सकते हैं? देखो मैं बताती हूँ, ये टेंजेंट है, ये जो लाइन आप ऐसे देख रहे हो, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने, किया है या नहीं? टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, आपको वो इक्वेशन याद है? बहुत टाइम हो गया है, मैं खुद नहीं रिकॉल कर पा रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, या और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला आपने बहुत यूज किया होगा, याद है? टेंजेंट का इक्वेशन को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको दो वैल्यूज दी जाती थी कि ये पॉइंट है एक्स वन एक्स टू एंड वाई वन वाई टू, और इससे जो है एक लाइन जो बनेगी उसका इक्वेशन फाइंड करें, ऐसा होता है? नहीं किया होगा आप लोगों ने, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। हाँ ऐसा इक्वेशन होता है, हाँ स्लोप का इक्वेशन, हाँ ठीक है। तो हमारा ये लाइन जो है, ये क्या है, टेंजेंट ही तो है ये, यही तो इक्वेशन, मतलब ये लाइन के ही तो इक्वेशन है, तो इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेंजेंट फाइंड करने का, या जो आप कह रहे हैं स्लोप फाइंड करने का, तो हमें ये म्यू म्यू एक्स के लिए इक्वेशन मिल जाएगा कि नहीं, मतलब मुझे मेंबरशिप फंक्शन का इक्वेशन मिल जाएगा कि नहीं? यस, जो लोग मैथ्स में थोड़ा कंफर्टेबल है, देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, म्यू एक्स को फाइंड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जब आप चीज़ों को पार्ट बाई पार्ट कर रहे हो तो आपको हर एक पार्ट का
मेंबरशिप फंक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर आप नहीं फाइंड करते हैं तो आप कहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे, राइट? तो पहला पार्ट ये है जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है. अब इसके मेंबरशिप फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको टेंजेंट लाइन या ये लाइन विद स्लोप, इसका आपको इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, यही होता है. मुझे अच्छे से याद है, फॉर्मूला याद है, बस हम ये भूल गए थे कि ये किस लिए यूज होता है, ठीक है. तो हमने इसके लिए इक्वेशन फाइंड कर लिया, ठीक है. एक्स वन एक्स टू की वैल्यू हमें कहाँ से मिल जाएगी, ये जो है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरीके से ये देखो लिखा हुआ है वाई माइनस जीरो, और हमें क्या चाहिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड देन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है. तो ये है आपका फर्स्ट, ठीक है, मतलब फॉर ए वन के लिए म्यू एक्स क्या निकल के आया, इसको हमने कैलकुलेट किया तो क्या मिला, वाई इज इक्वल टू 0.35 एक्स, ठीक है. अब दूसरा देखो, दूसरा वाला पोर्शन, अब ये मेंबरशिप फंक्शन ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देखो वाई इज इक्वल टू 0.7, सीधा सीधा हो जाएगा, यही तो है स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7, ठीक है. तो ये हमें वैल्यू मिल के आ गई वाई, मतलब म्यू एक्स इज इक्वल टू 0.7, हमें ऐसे रख ले रहना है कि इस रेंज के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं, राइट, स्ट्रेट लाइन. अब आगे देखो, वन सेकेंड, ये जो तीसरा वाला पोर्शन है, फर्स्ट सेकेंड देख लिया, अब तीसरा वाला फिर एक स्लोप है, ठीक है, स्लोप को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड वाला, फिर आपको ये वाला इक्वेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वाई माइनस वाई वन वाला जो आप टेंजेंट फाइंड करने के लिए या स्लोप लाइन स्लोप फाइंड करने के लिए इक्वेशन यूज करते हो, और आपको क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक है. इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो ये वाला पोर्शन देखो, ये स्ट्रेट लाइन है अगेन, तो इसकी वैल्यू क्या है, वन, तो वाई इज इक्वल्स टू वन मिल गया हमें, राइट. और इसके बाद ये वाला फिर से आपका स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए आप फिर से वाई माइनस वाई वन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, और आपको क्या मिल जाएगा, वाई माइनस वन, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी और आपको वाई इज इक्वल टू 0.5x+3 मिल गया, राइट. अब ये हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, अब मुझे सारे मेंबरशिप फंक्शंस मिल गए, ठीक है, कैसे मिले ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे मिल रहा है. अब देखो, अगर ये पूरा रहता तो आपको, अगर हम इसको पूरा पूरा कैलकुलेट करते तो हमारे लिए इसके इसका मेंबरशिप फंक्शन फाइंड करना डिफिकल्ट होता, इसीलिए हमने इसे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लिया, ठीक है. और हमें क्योंकि पता है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट लाइन का, स्लोप लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, तो हमने इससे अलग अलग हर एक पार्ट का अलग अलग मेंबरशिप फंक्शन फाइंड कर लिया, और उसको हमने देखो इस तरीके से सजा के रख लिया है कि वैल्यूज अगर 0 से 2 के बीच में है तो क्या आना चाहिए, 0.35x होगा, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया है. अगर 2 to 2.7 है, मतलब हमने ये पार्ट है, ये पार्ट वन है, पार्ट टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, हर एक पार्ट का देखो अलग अलग हमने कैलकुलेशन किया है, ठीक है. तो सेकेंड पार्ट के लिए देखो 0.7 आया है, यू कैन सी, और 2.7 से 3 तक के लिए हमें एक्स माइनस टू मिला है, देख सकते हैं. और ये वैल्यूज हमने इस तरीके से कैलकुलेट की है और हमने इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे रख लिए. समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आ गया. अच्छा, अब इसके बाद का प्रोसेस ये है, हमने क्या किया, न्यूमरेटर को हम अलग कैलकुलेट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को हम अलग कैलकुलेट कर रहे हैं. तो न्यूमरेटर का फॉर्मूला देखो, एक्स है, और मतलब हमें क्या करना है, हर एक पार्ट के लिए एक्स इंटू म्यू सी, इसको मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन के साथ हमें रेंज बता देना है, ठीक है. तो आपका, अगर आपको याद है तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका देखो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 0.35x, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या मिल रही थी मेंबरशिप फंक्शन की, 0.35x, और हमें क्या करना है, हमें x इंटू 0.35x करना है, तो ये हो जाएगा 0.35x² dx, और रेंज क्या है इसकी, यहाँ पे लिखी हुई है 0 to 2, राइट. अच्छा, ये हो गया. अब 2 to 2.7 वैल्यू क्या मिल रही है, 0.7, यहाँ पे x² गलत लिखा है, ये रहेगा 0.7x, ठीक है. इसी तरह 2.7 और ये 3 है,
ठीक है, इसका रेंज है, और इसके बाद इक्वेशन क्या था, x माइनस टू, सॉरी x x माइनस टू था, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करना है हर एक मेंबरशिप फंक्शन के साथ। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया x को, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बना, ये dx हो गया। और यहाँ पे देखो सिर्फ वन है, तो वन के लिए क्या आ गया, एक्स डी एक्स। और यहाँ पे देखो 0.5x+3 है, तो यहाँ पे हमने जब x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -0.5x² + 3xdx। कैलकुलेशन किया, 10.98 हो गया। और इसी तरह हमने डिनोमिनेटर को कैलकुलेट कर लिया, डिनोमिनेटर के लिए हमें वैल्यू मिल गई, और ये हमारा क्या बन गया, 3.445। और लास्ट में क्रिस्प वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एक्स स्टार इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड आंसर इज 3.187। ठीक है मेघा, मेघा समझ में आया? जुम्मा, दिति, ऐमान, सभी से पूछ रही हूँ। मेघा ने सबसे पहले जो है पूछा था, इस वजह से मैंने इससे ही पूछा, ठीक है। तो ये मत बुरा मान जाना कि मैम मेघा से ही पूछ रही हूँ, तुम लोग जो है बहुत छोटी छोटी बातें बुरा भी मानते हो ना। ये किस बात के लिए यस आ रहा है कि मतलब छोटी छोटी बातें बुरा मानते हो? यस मैम, अधिकतर लोग यस मैम कह रहे हैं, अनुग्रह के अलावा नो मैम। अब अनुग्रह, चलिए ठीक है, देखो मुद्दा ये है कि आप लोग समझ पाए कि नहीं, सभी को समझ में आ गया मेरे ख्याल से, पिछली क्लास से काफी बेहतर अब समझ पाए होंगे आप लोग। पिछली बार मैंने पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी बता दिया, कल जब मैंने पढ़ाया एक एक चीज को एक्सपैंड करके जब दूसरे सेक्शन में बताया, तो मुझे लगा कि उस क्लास में कुछ कमी रह गई लग रहा है, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह फॉर्म करना आता है कि टेंजेंट के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ने नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड मेथड का सेंटर ऑफ सम, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ सम का क्या तरीका है, इन्होंने देखो वहां पे हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। अब ये एरिया के टर्म में बात करेंगे, देखो इंटीग्रेशन का भी मतलब होता है एग्रीगेट, ठीक है, और सिग्मा का भी मतलब होता है एग्रीगेट, ठीक है। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो अब जैसे आप ध्यान रखें तो अगर वो कंटिन्यूअस डेटा पे हमने बताया काम करेगा, और एक काम करता है डिस्क्रीट पे, ठीक है। तो अभी देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ सम में क्या डिफरेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड को हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस थे, ठीक है, मेंबरशिप फंक्शन, इसको हम यूनियन अप्लाई कर रहे थे, उसके बाद हम इस पे कैलकुलेशन अप्लाई कर रहे थे, राइट। अब जो आपका सेंटर ऑफ सम मेथड है, ये कहता है कि हम जो है पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम इसका यूनियन अप्लाई करेंगे, मतलब उसके बाद हम जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम सम अप कर लेंगे। और उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला हम सिग्मा को यूज करते हुए, मतलब आपको दो चीजें पता होना चाहिए, एक एक्स वन क्या है, मतलब हर एक पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या है, ठीक है, और उसका एरिया क्या है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट एंड एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एरिया, इसको आपको कैलकुलेट करना है अलग अलग, ठीक है, हर एक पार्ट का बिना यूनियन लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एरिया आपको फाइंड कर लेना है। सो यू नीड टू नो व्हाट इज, अगर मैं इसी प्रॉब्लम की बात करूं, सो यू नीड टू नो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपोजॉइड, ठीक है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपोजॉइड, मतलब अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये हमारा हो गया अप्रोच क्या होगा, ठीक है, हमें ए वन और एक्स वन की वैल्यू, मतलब एरिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर एक शेप की मिल गई, उसके बाद हम इसी फॉर्मूला में उन्हें रख के सम करके और उसके बाद हम उसे एंड कर देंगे, मतलब कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर सेंट्रोइड मेथड, ओके। अब यहाँ पे कुछ कमियां हैं सेंटर ऑफ सम मेथड की, कि जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यूज करते हैं, भले हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है सॉल्यूशन, थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट ओवरलैपिंग एरिया इज काउंटेड वंस, जबकि जब हम सेंटर ऑफ सम मेथड का यूज करते हैं तो आपके पास ओवरलैपिंग एरिया कई बार आ सकता है, ओके हाँ। इन सेंटर ऑफ सम वी यूज द सेंटर ऑफ एरिया एंड हेंस इट्स नेम इंस्टेड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज इन सीयूजी,
ठीक है, सेंटर ऑफ सम में हम सेंटर ऑफ एरिया भी, मतलब हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ एरिया वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड नहीं कहते, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, अब एग्जांपल देख लेते हैं, आपके पास तीन अलग अलग ट्रेपोजॉइड्स गिवन है, ठीक है, तो आपको अगर मेथड समझ में आया है तो हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। अभी हमें म्यू एक्स वगैरह कुछ नहीं फाइंड करना है, हमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, देखो मिड पॉइंट हमें चाहिए, जो देखो क्योंकि ये सिमेट्रिक शेप है ना, सिमेट्रिक है, तो अगर हम एक इसका सेंटर पॉइंट फाइंड कर लें तो हमारे लिए जो जो क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें आसानी से मिल जाएगा, हम इक्वल मास में डिवाइड कर लेंगे। तो इसका रेंज क्या है, 0 to 5 है, तो 2.5 जो होगा, अगर हम वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारी वैल्यू एक्स हो जाएगी, मतलब ये एक्स वन हो गया 2.5, ठीक है। अब 3 और 7 के बीच में सेंटर क्या होगा, 1 2, ये 5 हो जाएगा क्या, और 5 6 7 8, 6.5 हो सकता है, ठीक है, ये मिल गया। और ट्रेपोजॉइड का जो फॉर्मूला होता है हम वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। देखो वही वैल्यू है, देखो यहाँ पे देखो एक्स वन की वैल्यू क्या दे रहा है, एक्स वन की वैल्यू मिल रही है 2.5, एक्स टू की वैल्यू मिल रही है 5, और एक्स थ्री की वैल्यू मिल रही है 6.5। अच्छा ये आसान इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें गिवेन है, आपको यहाँ पे नंबरिंग गिवेन है, और आपको जो है एक सिमेट्रिक शेप दिया हुआ है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि हम इसे इजिली टू इक्वल मासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने कर लिया, ठीक है, हमने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये फाइंड कर लिया, और मुझे अब एरिया तीनों का फाइंड करना है। तो ट्रेपोजॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 × 2 × h × l+b, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आप फॉर्मूला, ठीक है, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपोजॉइड, और हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, हाइट लेंथ विड्थ या ब्रेथ, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ C1, एरिया ऑफ C2, एरिया ऑफ C3, हमने तीनों को फाइंड कर लिया, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को फाइंड कर लिया, A1 A2 A3 फाइंड कर लिया, और यही तो हमें फाइंड करना था, है ना। ये देखो हमने ये तीनों दोनों पैरामीटर है शेप का फाइंड कर लिया, और उसके बाद इस इक्वेशन में हमें इसे रख देना है। तो हमने क्या किया, आगे इसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, और जो रिजल्ट आएगा x*=4.9 हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ सम मेथड, ठीक है, आप इसे सेंटर ऑफ एरिया भी कह सकते हैं, ओके। अच्छा अब एक मेथड और है, थोड़ा सा चेंज है, कि सेंटर ऑफ लार्जेस्ट एरिया, ये कह रहा है कि हम जो है या इस फॉर्मूला को तब, मतलब यहाँ पे जैसे अगर आपको तीन शेप गिवन है, C1 C2 एंड C3, ठीक है, तो जो लार्जेस्ट एरिया है, मतलब जो जिस शेप का जो एरिया है, जिस कर्व का एरिया लार्जेस्ट है, उसी को हम कंसीडर करेंगे टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उसी पे हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ द फजी सेट हैज टू सब रीजन्स, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सब रीजन विल बी द लार्जेस्ट एरिया विद सॉरी विद द लार्जेस्ट एरिया कैन बी यूज टू कैलकुलेट द डी फजीफाइड वैल्यू, ठीक है। तो हमने देखो एक्स डैश यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है, उसी फॉर्मूला को हम सिर्फ इसी एक पोर्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, म्यू सी, ठीक है, म्यू सी एंड इंटू एक्स डैश, एक्स डैश इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द लार्जेस्ट रीजन, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ म्यू सी एक्स डी एक्स, ठीक है, डी एक्स वो भी इसके साथ भी डैश लगा हुआ है, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन किया जाएगा। तो मुझे बताओ क्या आज आप लोगों को मैं समझा पाई या नहीं, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे जो है चैट बॉक्स में अब बताइए।